आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की अच्छी बात के साथ निगहत आरा दोबारा आपको के साथ हाजिर है, क्योंकि निगहत आरा ने कसम खाई थी कि कोई एक शख्स भी अगर उसकी अच्छी बात सुनता रहा तो इसके चैनल पे अच्छी बात आना रुकेगी नहीं। चाहे वो कोई मुझे कोई भी कमेंट्स कर ले कि मैं कैसा बोलती हूँ और मैं कैसे बैठती हूँ और मैं वीडियो में अच्छी नहीं आती, अच्छी बात कौन सुनेगा, कोई सुने नहीं सुने तो निगहत तो बोलेगी कि जैसे जियो से एक प्रोग्राम आता है, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, तो कोई सुने ना सुने निगहत तो बोलेगी। तो आज की अच्छी बात जो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने ये सोचा कि स्कूल से आके मैं सो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार वीडियो बना ही लेती हूँ भले कोई सुने या ना सुने, क्योंकि मेरे जहन में जो बात आ रही थी तो मुझे मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी चीज़ कोई एक अच्छी चीज़ अगर मैं करती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि दूसरे लोग भी ये करें। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि आज का जो मैसेज है वो तमाम असातज़ा के लिए है। तो वो वालदैन जो मुझे सुन रहे हैं और चाहते हैं कि उनके असातज़ा इस चीज़ पर अमल करें तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखिए बच्चे भी सुने, बच्चे भी सुने, क्योंकि बच्चों के लिए भी मैसेज है, असातज़ा के लिए भी मैसेज है, वालदैन के लिए भी मैसेज है। और जहाँ पर देखें, आज कल वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा दोबारा से यही है कि जब हम एक एक घंटे के दो दो घंटे के व्लॉग्स देखते हैं, हमें यूट्यूबर्स के, हमें उनकी पूरी फैमिली के तकरीबात देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन है, उसमें जो है वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमें हमारे यूट्यूबर्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके जो है ना फंक्शंस के बारे में जिससे पूछ लो सब अपडेट होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होगी कि यार हमारे पास घंटा दो घंटा तीन घंटे हमारे पास जो है वो डकी भाई और मास सब तो पता नहीं कौन कौन है, बच्चों बच्चों से के ज़ुबान पे इन लोगों के नाम होते हैं, फलान ये करने का तो हम चेहरा दिखा देंगे, गंजे हो जाएंगे, व्हाट इज़ दिस, और लोग इसे मिलियन कमा रहे हैं। बहरहाल मेरा बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अच्छी बात सुनने के लिए हमें एक जो है वो अट्रैक्शन लाने के लिए उसमें म्यूज़िक फैशन ये सब चीज़ें ज़रूरी हो क्यों हो गई, इसलिए क्योंकि हम अच्छी बात ये जो अभी मैं आपसे करूँगी मतलब हम किसी से शेयर नहीं करते, हम खुद पूरी नहीं सुनेंगे, हम काट देंगे कि क्या बकवास कर रही हैं, तो भाई ये तो होगा, फिर ये होगा, फिर बच्चे वही व्लॉग्स देखेंगे, घंटा दो घंटा वहाँ लगाएंगे। तो आज का मैसेज आप बच्चों के लिए, वालदैन के लिए, सबके लिए है, तो कोशिश करें कि 10 मिनट मेरे लिए भी निकाल लें और ये 10 मिनट की वीडियो सबको शेयर भी करें। अगर आप खुद नहीं सुन पा रहे हैं, मेरी बकवास बहुत बुरी लग रही है, तो ये मेरी वीडियो को फ़ौरन शेयर कर दें, क्या पता आपको मुझे देखने का दिल नहीं चाह रहा हो, कोई दूसरा मेरी अच्छी बात सुन ले और इस पर कोई अमल कर ले। अच्छी बात आज मेरी तमाम मैं उस्तादों से बात करना चाहती हूँ। तकरीबन मुझे 17 साल हो गए टीचिंग के प्रोफेशन में, 17 साल से भी ज़्यादा ही हो गए, अब आप लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाने नहीं बैठ जाइएगा, 17 साल से ज़्यादा हो गए। और अब तक जितने भी स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट होता रहता है, मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों से मिलकर, अपने स्टूडेंट से मिलकर, और बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि 17 साल मुझे हो गए। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं जितने असातिज़ा से मिलती हूँ, जितने स्कूलों में गई हूँ, इंतहाई अफसोस होता है, यकीन करें हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, हमने सिलेबस ख़त्म करवाना है, एक अजीब भाग दौड़ अफरा तफरी का आलम है स्कूल में, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या होगा आगे, क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट निकाल के असातज़ा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो चीज़ से मैं अमल करती हूँ और जो सोच के मैं अमल करती हूँ कि काश वो कुछ असातज़ा मेरी बात सुन लो, इस पर अमल कर लें। देखें आप जब बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर किसी स्कूल में कम से कम अगर देखें तो 30 बच्चे एक क्लास में होते ही होते हैं, 30 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मिनिमम 30 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप पूरे दिन में अगर आप 7 यूनिट भी ले रहे हैं तो आप ये सोचें कि 7 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से, आप तो आप पूरे दिन अगर एक क्लास में 5 मिनट की बात कर रही हूँ, 5 मिनट भी नहीं, अगर आप बहुत शॉर्ट करें और कोई बच्चों को कोई एक चीज़ रिमाइंड करवा दें, बच्चों को एक अच्छी बात कहने की आदत डालें, ये मेरी मैं इस चीज़ पे अमल करती हूँ, इसलिए मैं ये दूसरों से कह रही हूँ कि ये कर लें। और आप लोग चाहते हैं कि दूसरा असातज़ा भी ये करें तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि 5 मिनट जब आप मॉर्निंग में जाएं, जिस क्लास में भी आप जाएं, बच्चों से सलाम दुआ करने के बाद कोई एक अच्छी बात बच्चों को रिमाइंड करवा दें। देखिए बच्चों को सब पता होता है, वालदैन पढ़ाते हैं, बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा जीनियस है, इस बात को हर कोई मानेगा, लेकिन मतलब हम तरबियत नहीं कर पा रहे, तरबियत घर पे नहीं हो रही। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि वालदैन का ये होता है कि फ़ादर कहते हैं हम बाहर से थक कर आएँ, अब हम क्या मतलब हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे, वालदैन वालिद के पास टाइम नहीं होता कि भाई हम बाहर की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं,
वालदा के पास टाइम नहीं होता है, हम घर का सब कुछ देख रहे होते हैं, उनके तो अपनी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है घर का काम कर करके, फिर वो गैस की सताई भी, बिजली की सताई भी, पानी की सताई भी, कि वो बच्चों को वो जो है ना टाइम नहीं दे पाती। जो बच्चे हमारे हमारे बच्चे हमारे वक्तों के हकदार हैं। कितनी कितने वालदेन हैं जो अभी वीडियो देख रहे हो, बच्चों को कहानियाँ सुनाते होंगे सोते वक्त, इंतहाई कम। तो कोशिश, मैं इससे फसा तजा को ये मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं ऐसा तजा को सिर्फ ये टाइम, ये आप लोगों को मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप क्लास में जाएं तो कोई एक अच्छी बात बच्चों को रिमाइंड करवा दिया करें। वो एक अच्छी बात रिमाइंड करवाने के लिए, जैसे आपने बच्चों को कह दिया कि बेटा आज पानी बैठ के पीना है, तो आप अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखें कि अगर मैंने बच्चों की बात रिमाइंड किया, बच्चों को नहीं पता कि पानी बैठ के पीना है, लेकिन आप मॉर्निंग में गई बच्चों को आपने रिमाइंड करा आज बेटा पानी आज बैठ के पीएंगे। आप लोग बैठ कर भी पीते होंगे, लेकिन आज से हम इस बात पे अमल करना शुरू करेंगे और नोटिस करना शुरू करेंगे। बेटा हमें जो है वो रात को सोने से पहले कलमा पढ़ना है, जो दुआएं पढ़नी है, यानी कोई भी एक अच्छी बात, हमें बड़ों से सलाम पहल करनी चाहिए, हमें वालदैन की तरफ मुस्कुरा के देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा वालदैन की अहमियत बच्चों को बताएं, स्पेशली क्लास 5 तक की जितनी भी टीचर्स मुझे सुन रही हैं, वो बच्चों को अपने वालदैन और असातिज़ा की अहमियत बताएं। देखिए आप जब उनको बताएंगी ना अहमियत, जब भी उन्हें पता चलेगी, तो आप उन्हें ऐसी बातें, हम बता नहीं रहे ना, हम पढ़ा रहे हैं, हम किताबें हम फिल करवाते हैं, हम बैग भारी बस्ता कर, हम अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, सिलेबस फॉलो करते हैं, हम रिवीजन टेस्ट देते हैं। ये तरबियत हमारी कहीं गुम हो गई है, जिस पे ना स्कूल वाले तवज्जो दे रहे हैं और ना हम असातिज़ा। ज़ाहिर हम फीस ले रहे हैं, हम अपनी सैलरी लेते हैं, हमें स्कूल में अपना काम प्रॉपर देना होता है, हर चीज़ टाइम पे ख़त्म करनी होती है, सिलेबस टाइम पे ख़त्म करना होता है। तो जहाँ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, इतनी ज़िम्मेदारी वाला है कि अगर आप अपनी टीचिंग लाइफ में आप अपने अपने मतलब वो कर लें ना, अहद कर लें कि जब मैं पढ़ाने के लिए जाऊँगी तो मुझे हर क्लास में 5 मिनट अच्छी बात समझाने के लिए बच्चों को देने हैं। आप ये सोचो कि वो जो एक अच्छी बात दे रहे हैं ना, आप जॉब से हट के दे रहे हैं बच्चों को वो एक अच्छी बात, तो वो आपकी अपनी आखिरत में भी बहुत कम आएगा। अगर आप इस नियत से दे रहे हैं तो आप ये अपनी ड्यूटी को फर्ज समझ के करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, और आप देखेंगे बच्चों में बहुत चेंज आता है ये करने से। जो भी वालदैन देख रहे हैं, असातिज़ा मुझे सुन रहे हैं, इस बात पे ज़रूर अमल करें कि रोज़ कोई एक अच्छी बात बच्चों को रिमाइंड करवाएं, चाहे उन्हें पता हो। उनमें से मैंने बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसमें भी बताई हैं, और मैं 2-4 बातें मैंने अभी भी बता दी कि वैसे बच्चों को पानी को बैठ के पीना है। बड़ों का अदब सिखाएंगे बच्चों, बड़ों के आगे नहीं चलना है, बच्चे बड़े चल रहे हों तो बड़ों को किस तरह बात करनी है। हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमें जो है बच्चों को बड़ों की बात दरमियान में काट के बात नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाएं, और ये हम असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है, और हम पर अल्लाह ताला ने डबल ज़िम्मेदारी दी है, दिन की भी, दुनिया की भी और आखरत की भी। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, सिर्फ स्कूल वालों की ड्यूटीज़ को पूरा करके अपनी तनख्वाह हाथ में ले लेने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। आप आखरत में जवाब दाएंगे, आपके पास बच्चे सुबह से लेके आपके पास 5-6 घंटे बच्चे रहे, तो आपने क्या सिखा के भेजा, आपने क्या सिर्फ अपने कोर्स कंप्लीट करवा के आपने वो किया। तो उम्मीद है टाइम ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा मेरी बकवास कोई सुनेगा नहीं, और पता नहीं इतनी भी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखें, आगे पहुँचाएँ, हो सकता है कि ये मेरी वीडियो सुनने के बाद कोई एक असातिज़ा, कोई एक उस्ताद इस चीज़ पर अमल करना शुरू कर दे, तो मेरा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा कि 5 मिनट अपने बच्चों को तरबियत पर देना है। आप एक टीचर का 5 मिनट रोज़ाना हर क्लास में तकरीबन 200-250 बच्चों को की तरबियत डेली हो जाएगी, और हर उस्ताद अगर करे तो सोचेंगे स्कूल में कितना मजबूत चेंज आएगा और बच्चों की ज़िंदगी में कितना अच्छा चेंज आएगा। तो उम्मीद है आप लोग सब शेयर करेंगे, मैंने आप लोगों से कहा था मैं 10 मिनट लूँगी, तो 9 मिनट की वीडियो है, आई होप आप लोग सब सुनेंगे और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।